मॉर्निंग, मैं उषा अंजाविया और आप देख रहे हो गुजराती भूमियों। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको जामनगर लखोटा लेक लेके आया हूँ। तो यहाँ की मैं आपको बात बता दूँ तो लखोटा लेक जामनगर के सेंटर में है और यहाँ पे 10 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है और मॉर्निंग में 6 to 9 o'clock फ्री रहता है, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। लखोटा लेक के बाहर ही गुजरात टूरिज़्म अपनी प्रमोशन कर रहा है कि जैसे गुजरात में कौन कौन से अच्छे प्लेसेस देखने लायक है। और आपको पता ही है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, तो अगर आप वहाँ पे जाने का सोच रहे हो तो मैंने ऑलरेडी उसमें डिटेल से सीरीज़ बनाई हुई है, तो आप मेरी वो सीरीज़ जो ऊपर लिंक आ रही है वहाँ से आप देख सकते हो। व्हीकल पार्किंग के बाजू में ही टिकट विंडो है, तो यहाँ से आप टिकट लेके आप एंट्री ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के टिकट 10 रुपीज़ है और इस झील को रणमल झील भी बोला जाता है। तो चलो चलते हैं अंदर में और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या देखने लायक है। ये जो झील है वो एकदम राउंड शेप में बनी हुई है और 5 लाख स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। सो बेसिकली जो ये लखोटा लेक है वो जामनगर के रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप रेलवे स्टेशन रेलवे में आ रहे हो तो ये आपके करीब में है, तो यहाँ से आप विजिट दे सकते हो। यहाँ की मज़ेदार बात मुझे वो लगी कि जो आप बैकग्राउंड में साउंड सुन रहे हो मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं अलग अलग जगह पर और अभी पुराने गाने चल रहे हैं जैसे आप सुन पा रहे हो। यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हो उसको लखोटा कोठा भी बोला जाता है और ये बीचों बीच जो लखोटा लेक है उसके बीच में ही है। तो हम लखोटा कोठा में भी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या है देखने लायक। If you are bird watcher then must visit the Lakhota Lake because here around 75 species you can see in the Lakhota Lake such as a flamingos, gulls, pelicans, spoonbills, etc. अगर आ रहे हो तो यहाँ पे एम्यूजमेंट पार्क भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी 10 रुपीज टिकट है। ये जो लखोटा लेक है वो 18th सेंचुरी में बनाया गया था राजा रणमल के द्वारा, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि नाइट के टाइम पर आए लाइक आफ्टर 6 o'clock, क्योंकि यहाँ पे लेज़र शो भी रहता है, लेज़र और म्यूज़िकल फाउंटेन शो भी, तो वो उसका भी आप मज़ा ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लेक है उसके चारों ओर जरूखे बने हुए हैं इस तरह से। तो लखोटा कोठा को अभी यहाँ पे म्यूज़ियम बना दिया है, तो ये म्यूज़ियम की टिकट है 100 रुपीज़ फॉर फॉरेनर एंड 25 रुपीज़ फॉर इंडियन। हालांकि म्यूज़ियम के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट वहाँ तक हम कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको व्यू भी दिखाएंगे कि कैसा व्यू दिखता है पूरे का पूरा लखोटा लेक का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसकी कंडीशन अच्छी पहले नहीं थी, तो इसको रिनोवेट किया गया है। तो आप कोठे में उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में से जा सकते हो, दोनों तरफ ही ऐसे पुल बने हुए हैं।
तो कंक्रीट पुल के स्ट्रक्चर में बीच में यहाँ पे लकड़े का पुल भी है, क्योंकि उस टाइम पर अगर कोई घुसपैठ अंदर जाने की कोशिश करते थे तो उस टाइम पर ये जो लकड़े का पुल है उसको ऊपर ले लेते थे, तो वो अंदर नहीं जा पाता था, और इसको कास्ट पुल भी बोला जाता है। जो आप ऊपर देख रहे हो वैसे टोटल 12 झरोखे बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो प्रतिमा है वो जामश्री रावल जी की प्रतिमा है। तो एंटायर एरिया ऑफ लखोटा कोठा विद डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर स्क्वायर। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो राजा थे उसको कुछ अलग ही राउंड शेप से कुछ अलग ही लगाव था। और यहाँ पे एक ऐसी भी मान्यता है कि जो प्रतिमा आप देख रहे हो उसमें जो हॉर्स है, तो ऐसी भी एक मान्यता है यहाँ पे कि ये जो हॉर्स है उसका कभी लेग ऊपर होता है, कभी लेग नीचे होता है, कभी दायां लेग ऊपर होता है तो कहीं बायां लेग ऊपर होता है। तो इसके बारे में अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि याद तो सारे पैर नीचे ही है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक आपका और अपनों का ख्याल रखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।